कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। बहुत से प्रश्न मिल रहे हैं हमको कि ऑनलाइन केस फाइल करने की इजाज़त इस एक्ट में मिल गई है, अब कंज्यूमर ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। इसके लिए हमने अपने पिछले एपिसोड में बी एन अलर्ट कंज्यूमर श्रृंखला में ये बताया था कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए कौन से 4 दस्तावेज आवश्यक थे। आज हम बताएंगे कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बावजूद भी आप ये न समझें कि आपका केस एडमिट हो गया है। ऑनलाइन कंप्लेंट करने का अर्थ है कि आपने अपनी शिकायत रजिस्टर कर दी है कोर्ट में। रजिस्टर होने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आप अपने केस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे कंज्यूमर बनते हैं और आपकी शिकायत क्यों सुनी जाए। ये एक प्रोसेस है, इसको कहेंगे एडमिट करना। एडमिट करने के लिए 3 चीज़ों को देखा जाता है। पहला, आप कंज्यूमर बनते हैं, आपने कोई पेमेंट की है, पेमेंट करने के बाद आपने कोई चीज़ खरीदी है, तब आप कंज्यूमर बनेंगे। दूसरा, आपने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपना केस फाइल किया है, 2 साल की अवधि है, कंज्यूमर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल के अंदर अंदर अपनी शिकायत कर सकता है। और तीसरा, आपने जिस भी कमीशन में केस दायर किया है उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ है कि टेरिटरी के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से जहां आपने फाइल किया है, उस उपभोक्ता कमीशन को आपका केस एडमिट करने का अधिकार है। और आपने कितने पैसे का केस डालना है ये भी निर्भर करता है कि आपका, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ तक के मामले आते हैं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में डालना है केस 1 करोड़ तक का, या आपका मैटर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम का है तो आपका स्टेट कमीशन में जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर का है तो आपका मैटर नेशनल कमीशन में जाएगा। तो ये भी बात इसी समय निर्धारित हो जाएगी कि आपने उचित कमीशन में अपना केस डाला है। जब ये 3 चीज़ें देख ली जाएंगी, जांच ली जाएंगी, तब आपका केस एडमिटेड माना जाएगा। और यदि इन 3 में से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है तो आपका केस एडमिट नहीं होगा। केवल रजिस्टर हुआ था केस ऑनलाइन, उसको एडमिट हुआ न माने, इस पर कार्यवाही, इस पर आगे प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी यदि एडमिट नहीं हुआ तो। और यदि एडमिट हो गया तो फिर आगे की प्रोसीडिंग्स प्रारंभ हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए इशू के साथ। थैंक्स।